कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी चंबा मैडम शिवानी महला जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज जो हमारा चार दिवस का ये एक मेला लगा था एथलेटिक्स और सांस्कृतिक प्रति और अलग अलग जिलों से आए सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रदर्शन किया, चाहे वो एथलेटिक्स की इवेंट्स थे चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। एक बार जोरदार तालियां पहले पार्टिसिपेंट्स के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी है, अपने अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैडम शिवानी महला जी एडिशनल एसपी चंबा मैडम हमारे संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रधानाचार्य गवर्नमेंट आईटीआई चंबा श्री विपिन शर्मा जी, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट आईटीआई मंडी श्री रविंद्र बनियाल जी, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट आईटीआई धर्मशाला श्री राजेश पुरी जी, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट आईटीआई सुजानपुर श्री सुनील नाथ जी और प्रधानाचार्य
गवर्नमेंट आईटीआई लचोड़ी श्री राहुल राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज मंच पे आए। और साथ ही साथ आज के मुख्य अतिथि महोदया मैडम हम सभी वो शपथ भी ग्रहण करेंगे। आज का जो समय है वो लिया गया है शपथ ग्रहण के लिए, और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि पूरे हिमाचल के बच्चे और पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैडम की प्रेजेंस में हम शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले धन्यवाद सर। गवर्नमेंट आईटीआई सुजानपुर श्री सुनील नाथ जी से रिक्वेस्ट है, सर मैडम को टोपी से सम्मानित करें। प्रधानाचार्य गवर्नमेंट आईटीआई धर्मशाला श्री राजेश पुरी सर से मेरा रिक्वेस्ट है, सर आज के मुख्य अतिथि महोदया को शॉल से सम्मानित करें। प्रिंसिपल सीनियर स्केल गवर्नमेंट आईटीआई मंडी श्री रविंदर पन्याल सर जी से मेरा रिक्वेस्ट है, सर प्लीज आज के मुख्य अतिथि महोदया को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। जोरदार तालियां क्लोज है सर, क्लोज है प्लीज, सर क्लोज है मैम आप प्लीज। का समय है तो प्लीज सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, क्योंकि ये मतदाता शपथ है बहुत ही जरूरी है। आपका एक वोट जो है वो देश का भविष्य बनाएगा। पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समापन समारोह है, सभी को जल्दी भी रहती है, अपने अपने चार दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं और अब अपने अपने घर की ओर जाने का भी मन शायद हो गया है। वैसे तो मैंने बीच बीच में पूछा बच्चों को, तो वो चंबा छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा भी रिस्पॉन्स आया है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और मैं पर आएँ और जितना भी हमारा चार दिन का कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में ब्रीफ करें, साथ ही साथ आज के मुख्य अतिथि महोदया जी का भी स्वागत करें। कैसे हैं सभी? हाउ इज द जोश?
आज के स्टेट लेवल आईटीआई कल्चर एंड एथलेटिक्स मीट 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी है, तो आज के समापन के अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि मैडम आईपीएस शिवानी महला जी, उनका हम अपने आईटीआई के प्रांगण में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैडम बहुत सहज और सुलभ है, जब भी हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से, इलेक्शन का टाइम है, मैडम की वीसी है, फिर भी मैडम ने हमें समय दिया, स्टेट लेवल फंक्शन की जो भव्यता है उसको बढ़ाया। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच स्टेट ऑब्जर्वर एंड सीनियर स्केल प्रिंसिपल गवर्नमेंट आईटीआई मंडी इंजीनियर रविंद्र बनियाल जी, स्टेट ऑब्जर्वर प्रिंसिपल गवर्नमेंट आईटीआई सुजानपुर श्री इंजीनियर सुनीलनाथ जी, स्टेट ऑब्जर्वर एंड प्रिंसिपल गवर्नमेंट आईटीआई धर्मशाला श्री राजेश पुरी जी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट आईटीआई स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड प्रिंसिपल गवर्नमेंट आईटीआई लचोड़ी इंजीनियर राहुल राठौर जी, सभी 11 जिले के मैनेजर कोचेज, हमारे बीच शिक्षा विभाग के डीपी जिन्होंने बड़ा अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड और वेल मैनेज्ड इवेंट करवाया, कराने में मदद की, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। शिक्षा विभाग का धन्यवाद, और डीपी की जो स्किल थे, मैं मन से उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और बहुत बहुत आपका करोड़। और आईटीआई चंबा, आईटीआई वुमेन चंबा का सभी स्टाफ जो 4-5 दिनों से लगा था एक महीने से तैयारी कर रहे थे, होस्ट टीम के नाते जिन्होंने जो मेहनत की है उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच मीडिया बंधु जिनका हमारी अच्छी चीज़ों को प्रेजेंट करने में बहुत सहयोग रहता है स्वतः, उनका भी अभिनंदन। पिछले 4 दिनों से हम एथलेटिक्स इवेंट्स और कल्चर इवेंट दोनों का बड़ा पैरेलल इवेंट मैनेजमेंट चल रहा था, सभी इवेंट्स समय से पूर्ण हुए, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, बड़े अच्छे माहौल में सब प्रतियोगिताएं हुई, ये अपने आप में बड़ी आप सबका सहयोग और एक उपलब्धि है। स्पोर्ट्समैनशिप की भावना सबने प्रदर्शित की, और जो अक्सर सा जो इंस्ट्रक्शन मिली, जो हमने प्लान किया था उसी तरह पूरा हुआ। और मैं मदर नेचर का भी धन्यवाद करूंगा कि इससे पहले, ओपनिंग से पहले तक लगातार बारिश हो रही थी, बादल फट रहे थे, लेकिन ओपनिंग में और आज तक क्लोजिंग तक जैसे भगवान ने हमें स्पेशल छूट दी थी कि भाई अच्छा मौसम रहा, सब जो है अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। इन पिछले 4 दिनों में हमने जो ग्राउंड में प्रतियोगिताएं की हैं, जीते हैं मैदान में, कंपटीशन में, तो जो आज उनका इनाम होगा, जो उसमें बेहतर होंगी, उनको मैडम के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। और वैसे तो जितने भी हम आए हैं, जो जिन्हों पार्टिसिपेट किया है वो तो है ही हमारे, उनके लिए सारा ऑर्गेनाइज हो रहा है, और जो हम थे या हम सभी थे, कुछ ना कुछ हम इसमें एनरिच हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐड ऑन हुआ है। पिछले 4 दिनों में हमने सीखा है, इवेंट मैनेजमेंट के अच्छे गुण सीखे हैं, क्या कमियाँ रही उसको और इम्प्रूव किया है, स्पोर्ट्समैनशिप में क्या होता है, और सबसे बड़ी बात है प्रतियोगिता, कंपटीशन तो हमें हर क्षेत्र में मिलता है, चाहे वो ग्राउंड में हो, चाहे हमारे ट्रेनिंग में है, स्टडीज में है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, आगे जॉब के लिए है, और जॉब मिलने के बाद भी वहाँ एक्सेल करने के लिए है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें प्रतियोगिता का सामना करना होता है और करना ही पड़ता है। एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह एक फेयर डील के नाते हम उसमें जब भाग लेते हैं तो पूरी कायनात जो है हमारा साथ देती है और सफलता मिलती है। तो इस अवसर पर कैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है या कैसे हेल्दी कंपटीशन से हम आगे बढ़ते हैं, निदा फाजली की 2 लाइनें मैं प्रिडिक्ट करना चाहूँगा
जो कि डिपेक्ट करती है इस कंपटीशन में कैसे हम एक्सेल करें एक हेल्दी कंपटीशन के साथ। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं, हम सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। हम सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते, किसी के लिए राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। हमें अपनी स्ट्रेटजी, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप, अपने स्किल का प्रदर्शन करके आगे बढ़ना है। ये चीज़ें आपने इसी तरह के जो कार्यक्रम होते हैं इसमें हम सीखते हैं, क्योंकि हम होस्ट टीम थी, जिला चंबा ने ऑर्गेनाइज किया काफ़ी वर्षों बाद, तो हो सकता है आप सबका तो बहुत सहयोग मिला हमें, बहुत ही अच्छे पार्टिसिपेंट थे, मैनेजर कोचेज ने बड़ा सहयोग किया जैसे उन्हें बोला जाता था, क्योंकि ऐसे आयोजनों में इमीडिएट डिसीजन लेने पड़ते हैं, फैसले चेंज करने पड़ते हैं, तो उसके अनुसार आपने अपनी प्लानिंग चेंज की और कार्यक्रम को संपन्न कराया, उसके लिए धन्यवाद। अगर किसी तरह की इस आयोजन में कोई कमी छोटी रही हो बड़ी रही हो तो मैं उसका जो ऑनर्स है वो हम लेते हैं होस्ट टीम होने के नाते खुद पे, और कुछ अच्छा हुआ है, अच्छा कुछ मैनेज हो पाया है तो उसका सबका जो श्रेय है हमारी टीम को, जिला चंबा को और होस्ट टीम और आपको जाता है। फिर से मैं अधिक ना बोलता हुआ, क्योंकि कार्यक्रम अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में समय लगता है, तो आप सबका फिर से धन्यवाद, और इसी मंच से मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत सहयोग दिया इस इवेंट को, क्योंकि साझा इवेंट होते हैं, और प्रिंसिपल पीजी कॉलेज चंबा डॉक्टर विद्यासागर जी का मैं इस मंच से विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने ना केवल अपना हॉस्टल हमें एग्जाम के समय में दिया, बल्कि अपने म्यूजिक के प्रोफेसर 4 दिनों तक हमें दिए, जिन्होंने जज की भूमिका निभाई, और जिला भाषा अधिकारी जो अभी शायद मीटिंग के कारण हमारे बीच नहीं आ पाए हैं उनका विशेष रूप से आभार। डीएलओ श्री तुकेश शर्मा जी ने बड़े अच्छे तरीके से इस इवेंट को का संचालन भी किया, और जो जजेस की जो पैनल थे उसको चीफ ऑब्जर्वर और जज के रूप में बच्चों को बड़ी बारीकियाँ कल्चर की बताई, जो कि हमारे लिए एक नया एड ऑन रहेगा आप सबके लिए, और आप सबको आपके आगे भविष्य के लिए, आगे आपके करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। कहा है क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य सर जो हैं वो लेखक भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत सारे लेख और कविताएं इनकी पब्लिश भी होती हैं, तो जोरदार तालियां सर ने, बहुत ही अच्छी अपनी किसी कविता से ही आपको बताया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में, वो है जो फोक डांस में हमारी विनर टीम रही है, टीम कुल्लू। तो विनर टीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, टीम कुल्लू। Oh, okay.
खूबसूरत प्रस्तुति टीम कुल्लू की खूबसूरत नाटी प्रस्तुत की है और विनर टीम की धमाकेदार परफॉर्मेंस। एक बार जोरदार तालियां टीम कुल्लू के लिए। से रिक्वेस्ट करूंगी सर प्लीज मंच पर आए, क्योंकि सर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो जरूर अपने बच्चों को आशीर्वाद दें और ये चार दिन का जो हमारा कार्यक्रम रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ करें। प्रधानाचार्य आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई चंबा के प्रांगण में जिला स्तरीय एथलेटिक्स और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं 2024 के समापन के अवसर पर मैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मैडम शिवानी आईपीएस का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसके साथ निदेशक तकनीकी शिक्षा की तरफ से नियुक्त श्री रविंद्र बनियाल जी, श्री राजेश पुरी जी, श्री सुनील कुमार जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपके मार्गदर्शन में चार दिन हम ये इवेंट करवा पाए हैं। इसके अलावा मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे टीम कोचेस मैनेजर, आप लोगों ने जिस डिसिप्लिन के साथ और जिस सहयोग के साथ हमारा साथ दिया है, आपके सहयोग के बिना ये इवेंट इतना कामयाब नहीं हो सकता था, तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं धन्यवाद करता हूँ जिला चंबा की आईटीआई की विभिन्न कमेटीज़ का, डिसिप्लिन कमेटी, मैथ्स कमेटी। मैथ्स कमेटी खास तौर पर मैडम सुबह 8 बजे हमें ग्रुप में मैसेज आ जाता था कि ब्रेकफास्ट रेडी है, 1 बजे मैसेज आता था खाना रेडी है, 8 बजे मैसेज आता था खाना रेडी है। उसके पीछे बनाने के पीछे वो कितनी मेहनत लगी है, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार। इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिला प्रशासन का, इसके अलावा डिग्री कॉलेज चंबा और डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन और उनकी जो डीपीएस की टीम है, आप सभी ने काफ़ी सहयोग दिया है और थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी को। और सबसे ज़रूरी बात, आप पार्टिसिपेंट्स, मैं चाहता हूँ आप हर एक पार्टिसिपेंट अपने लिए ज़रूर तालियाँ बजाए, हर एक पार्टिसिपेंट। ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के पीछे हमारा मकसद रहता है कि आपका मानसिक और बौद्धिक विकास। आप सभी ने कल्चरल इवेंट यहाँ पार्टिसिपेट करा, एथलेटिक्स का इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, तो एक टीम स्पिरिट आप लोगों ने ज़रूर सीखी होगी। और कुछ लोग अब स्टेट लेवल में आके पोजीशन नहीं ले पाए हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ लोगों के लिए, अपने चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान लाएँ और अगली बार कंपटीशन की अपनी तैयारी करें। और एक ही डायलॉग बोलने का है, कितना गुमान न कर अपनी जीत पर है बेखबर, कि शहर में तेरी जीत से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे। इसके अलावा जो विनर लोग हैं मैं उम्मीद करता हूँ कुछ समय के बाद हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से ये सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा कि जो हम में से जो लोग यहाँ परफॉर्म करके गए हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बना चुके हैं। हमारे बीच में हिमाचल के ऐसी काफ़ी प्रतिभाएं हैं, जिला चंबा से ऐसी प्रतिभाएं हैं। मैं चाहता हूँ आप में से सभी लोग इतना एफर्ट करें, अपनी इस मेहनत को कंटिन्यू करें और ताकि आप में से कई लोग इसी में करियर बना लें। तो आपके लिए मेरा एक ही संदेश है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग ये आग जलनी चाहिए। इसके अलावा चार दिन हम यहाँ रहे हैं और मैं इस बात पे पूरी तरह, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस बात पे मेरी इत्तेफाक रखेंगे, ये चार दिन का जो टेस्ट मैच था उसके मैन ऑफ दी सीरीज एकमात्र व्यक्ति को ही है, डॉक्टर इंजीनियर विपिन शर्मा। जिला चंबा मैं जब से हम इस सर्विस डिपार्टमेंट में आए हैं
ये पहली बार है कि जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन करने की जिम्मेवारी हमें दी गई थी। और जब ये मीटिंग हुई थी उसमें मैं क्योंकि जिला का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि जिला चंबा इस बार एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगा। उस टाइम पे आई सेड ओके। उसके बाद फिर रविंदर सर उस मीटिंग में आए, रविंदर सर की तरफ से ये प्रपोजल आया था कि पार्टिसिपेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए क्योंकि कल्चर और एथलेटिक्स के अलग अलग लोग रहते हैं, तो वो 50 का कंटिनेंट कर दिया गया था। और जिला चंबा की जो हमारी बिल्डिंग है, हमारी सिटिंग कैपेसिटी, उसी हिसाब से 700 लोगों को मैनेज करना हमारे लिए बहुत टफ था। वो दूसरे या तीसरे दिन मुझे समझ आया कि यार से हाँ तो कर दिया है, करेंगे कैसे। बट जितनी सहजता के साथ, जितनी स्मूथनेस के साथ विपिन सर ने और विपिन सर की टीम ने ये काम करके दिखाया है, आप लोग बधाई के पात्र हैं। और आगे भी उम्मीद करता हूँ इसी तरह का जोश और जज्बा आने वाले समय में भी आईटीआई और निदेशक तकनीकी शिक्षा को ऐसा ही सहयोग मिलता रहे। लास्ट में एक बार फिर मैं मैडम शिवानी का, निदेशक निदेशालय की तरफ से आए हमारे ऑब्जर्वर सर का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी टीम कोचेस मैनेजर का धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं कहीं पे भी बात करता हूँ, मेरा एक ही मैसेज रहता है कि तेरे सपनों की उड़ान अभी बाकी है, तेरी उम्मीदों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमां बाकी। थैंक यू सो मच। ये बहुत जरूरी था। एक डिमांड आई थी, वैसे तो हम लोग जो विनर टीम रहती है उनका ही परफॉर्मेंस करवाते हैं, लेकिन किन्नौर टीम जो कि फोक डांस में सेकंड रही है उनका भी परफॉर्मेंस देखने के इच्छुक हैं। सेकंड होने के नाते नहीं, लेकिन थोड़ा सा हटके कल्चर है तो इस नाते किन्नौर का जो फोक डांस है हम फिर से देखना चाहते हैं। तो किन्नौर जिले के जो पार्टिसिपेंट्स हैं ड्रेसेस में आ गए हैं तो प्लीज मंच पर आ जाएं। और एक बच्चा उनका शायद रेडी हो रहा है, तब तक आप यहाँ पर आकर अपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें। और इनकी परफॉर्मेंस के बाद हम मुख्य अतिथि महोदय की स्पीच, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद हम सीधे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा समय लगता है। तो इस परफॉर्मेंस के बाद हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। मुख्य अतिथि महोदय आईपीएस मैडम शिवानी महला जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। You that have more talent than you, but there is no excuse for anyone to work harder than you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ प्रिंसिपल सर का और उनकी पूरी टीम का जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया चंबा में और सब लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया और सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया। और बाकी जो हमारी आज के विनर्स हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो लोग आज सेकेंड या थर्ड पोजिशन या जिन्होंने आज कोशिश की उन सब लोगों को नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी विशेज। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग अपने जहाँ भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें बेटर करेंगे इस बार से। तो बेसिकली इस इवेंट के कंक्लूजन पे मैं 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगती है जो मैंने अभी तक सीखी है और जो एक्सपीरियंस किए हैं उसके बेसिस पे 5 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जब भी हम किसी चीज़ को अचीव करने जाते हैं, कुछ गोल डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए हमें किन 5 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बीइंग ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब भी आप अपने आप को फेस करते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, मुझे कितना अभी और काम करना पड़ेगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। आप पूरी दुनिया को उल्लू बना सकते हैं या उनके सामने झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो प्लीज़ हमेशा खुद को एनालाइज करें और इम्प्रूव करें।
दूसरा वर्क हार्ड, अब हमेशा टाइम के ऊपर ध्यान ना दें कि मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, मैंने इतना टाइम लगा दिया, इस पे ध्यान दें कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है खुद को, क्योंकि सब लोग की, हर किसी की अपनी खुद की जर्नी होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ लोगों को कम टाइम लगता है, तो आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, मुझे किस चीज़ पर कितना टाइम देना पड़ेगा और किस किस चीज़ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा कि कभी भी अपने आप को परफेक्ट ना समझें, क्योंकि इस धरती पे कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो जिस दिन आपको लगे कि मैं परफेक्ट हूँ उस दिन आपका ग्रोथ रुक जाता है वहीं पे, तो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करें, हमेशा ये सोचें कि नहीं मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे अपने आप को चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, लास्ट मोमेंट तक अपनी ज़िंदगी में ये सोचना है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे इम्प्रूव करना है। और तीसरा, हमेशा रिस्क लें, क्योंकि रिस्क का मतलब है चांस लेना, कुछ नया ट्राई करना, जब तक आप कुछ नया ट्राई नहीं करोगे आपको कुछ बड़ा नहीं मिलेगा, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते, तो प्लीज़ रिस्क लें। और स्पेशली जो हमारी जो यूथ है उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली इस टाइम आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो जो नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं वो करें, अपने पैशन को फॉलो करें, और जो भी आपने अपने लिए सेट किया है, गोल सेट किया है या कुछ भी कैरियर सेट किया है उसमें एक्सेल करें। और फोर्थ, बी प्रैक्टिकल, हमेशा एक प्लान बनाएं, उसके ऊपर काम करें और उसको चेंज करते रहें टाइम टू टाइम, जैसे भी आपको लगे कि मुझे इसमें चेंजेस करनी है, और कभी भी किसी भी एक चीज़ पे रुक ना जाएं, हमेशा हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, और जब भी आपकी लाइफ में डाउन फेस आए, मतलब आपको लगे कि मतलब मेरे साथ ये क्यों हो रहा है या मुझे, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उस टाइम ये सोचे कि जो भी बंदे के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वही सबसे ज़्यादा ऊपर जाता है, तो अच्छा है आपके साथ वो प्रॉब्लम हुई ताकि आप लोग को एक ऑप्शन मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली इम्प्रूव करने के लिए। द लास्ट, रिमेन हम्बल, हमेशा हम्बल रहें, क्योंकि जो लोग हम्बल होते हैं उनके ऊपर तारीफों का और इंसल्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उनके लिए वो दोनों कॉमन होती हैं। और हमेशा जब भी आप किसी, अगर कहीं जाते हैं तो जो बंदा आपको गेट पे खड़ा हुआ मिलता है उससे, और जो उस इंस्टीट्यूट का सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बंदा बैठा है, आपका एटीट्यूड उन दोनों के लिए सेम होना चाहिए। आप हमेशा एक आदमी को डिग्निटी के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ मिले, उसको इक्वल ट्रीटमेंट दें। आखिरी में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं होप करती हूँ और विश करती हूँ कि एक दिन आपके जो रियलिटी है वो आपके सपनों से ज़्यादा अच्छी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अनमोल थे सभी बच्चों के लिए, एक बार ज़ोरदार तालियां मैडम के लिए। टीम किन्नौर भी मंच पर पहुंच चुकी है और इनकी परफॉर्मेंस के बाद सीधा हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। Yeah.
ना रे दूषा मरी दो Upayulu holi sangla mushuri Upayulu holi sangla mushuri Upayulu holi holi mushuri Upayulu holi holi mushuri Upayulu holi sangla mushuri Upayulu holi sangla mushuri ఉపాయులునే సంబ్రండి ముషూరి ఉపాయులునే సంబ్రండి ముషూరి ఉపాయులు పంగి గంగి ముషూరి ఉపాయులు పంగి గంగి ముషూరి ఉపాయులునే సంబ్రండి ముషూరి ఉపాయులునే సంబ్రండి ముషూరి Shalare patang sele songi radasi Mukh meloti panga sele Gurao ka chakke Shalare patang sele songi radasi Dil se ki nolo dile Dil se dori se Shalare patang sele songi radasi Dil se ki nolo dile Dil se dori se Shalare ముఖ మెలుటే పాంగ సేలి దూరవుగా చంసే శలరే పాటాంగ సేలి సొంగి రాదసి ముఖ మెలుటే పాంగ సేలి దూరవుగా చంసే శలరే పాటాంగ సేలి సొంగి రాదసి లోలి బే హోలు నయలి హయా బే హోలునా బెలోలి బే హోలు నయలి హయా బే హోలునా Thank you.
बेलोली बे होलो नयाली हाया बे होलो ना बेलोली बे होलो नयाली हाया बे हो ना बेलोली बे होलो नयाली हाया बे हो ना हो एक बजे वही बात दो बजे वही बात तीन बजे वही बात तीन बजे वही बात मेरा बाबू ने खाना खाया बाबू ने चाय पिया बाबू ने खाना खाया एक बजे वही बात दो बजे वही बात तीन बजे वही बात चार बजे वही बात मेरे बाबू ने खाना खाया बाबू ने चाय पिया बाबू ने दूध पिया बस यही काज लाए वही बात प्रीति आए वही बात शबनम आए वही बात श्रुति आए वही बात मेरा बाबू ने खाना खाया बाबू ने चाय पिया बाबू ने दूध पिया बस यही उसी दिन के को से शब्बसे जिसके के कोसेरो मिके नंकोनो जुला आ केत पाला नीबा मिस्किलो आ केत पाला नीबा मिस्किलो दोशों शों बिली दोशों चों बिली मासिला बोटोरी दोशों चों बिली मासिला बोटोरी दोशों चों बिली मासिला बोटोरी सिला बोटोरी गुटोरी रोक गुलोरी आला सिला बोटोरी गुटोरी रोक गुलोरी सिला मातोनी बस क्या आने नोई फोटो पाना से आला मातोनी बस क्या आने नोई फोटो पाना से मातोनी बस क्या आने नोई फोटो पाना से आला मातोनी बस क्या आने नोई फोटो पाना से दिली शोंगा शोंगा सभी रश्मोलोली चीलीने नारा
पर आते हैं तो साथ ही प्रधानाचार्य आईटीआई चंबा, प्रधानाचार्य आईटीआई मंडी, प्रधानाचार्य आईटीआई सुजानपुर और प्रधानाचार्य आईटीआई धर्मशाला, प्रधानाचार्य आईटीआई लचोड़ी, जीआई मैडम और एचसीएम मैडम से भी मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज सभी मंच पे आए और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड रहे हैं वो बिल्कुल आगे आ जाएं ताकि समय थोड़ा बारिश भी। थर्ड प्राइज रजत राणा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, सेकंड प्राइज अभिषेक डिस्ट्रिक्ट ऊना, ये है रेस 100 मीटर, सेकंड प्राइज अभिषेक डिस्ट्रिक्ट ऊना और रेस 100 मीटर में फर्स्ट प्राइज लिया है वरुण कपूर डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो ये 100 मीटर रेस के तीनों पार्टिसिपेंट जल्दी जल्दी आए, उसके बाद 200 के भी बच्चे रेडी रहें, जोरदार तालियां बजाते रहें, बच्चों का हौसला बढ़ाते रहें। जो रेस 200 मीटर है उसके लिए भी सभी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले रेडी रहेंगे, मंच के पास आ जाएं। 200 रेस में थर्ड प्राइज पे है वरुण कपूर डिस्ट्रिक्ट चंबा, रेस 200 मीटर सेकंड प्राइज तरुण धीमान डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। जल्दी जल्दी दौड़ते हुए हैं बच्चे और रेस 200 मीटर में ही फर्स्ट प्राइज प्रभात डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। उसके बाद रेस 400 के बच्चे रेडी रहेंगे, रेस 400 में थर्ड प्राइज सुरेश कुमार डिस्ट्रिक्ट मंडी, रेस 400 मीटर थर्ड प्राइज सुरेश कुमार डिस्ट्रिक्ट मंडी। रेस 400 में सेकंड प्राइज राहुल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और एक बार फिर से 400 मीटर में फर्स्ट प्राइज प्रभात डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। रेस 800 मीटर के बच्चे भी रेडी रहे, रेस 800 मीटर में थर्ड प्राइज पंकज कुमार डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। रेस 800 मीटर पंकज कुमार थर्ड प्राइज के लिए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, रेस 800 मीटर में ही सेकंड प्राइज राहुल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और फर्स्ट प्राइज सुरेश कुमार डिस्ट्रिक्ट मंडी।
रेस 1500 मीटर, 1500 मीटर में थर्ड प्राइज वंश जिसकी कांगड़ा। इसके बाद हाई जंप के बच्चे रेडी रहेंगे, हाई जंप के पार्टिसिपेंट्स आगे आ जाएं प्लीज। हाई जंप में थर्ड प्राइज निखिल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। हाई जंप में सेकंड प्राइज अंकुश सलारिया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और हाई जंप में फर्स्ट प्राइज गुरदीप सिंह डिस्ट्रिक्ट ऊना। इसके बाद लॉन्ग जंप के बच्चे आगे आ जाएं। लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में थर्ड प्राइज पार्थ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। लॉन्ग जंप थर्ड प्राइज पार्थ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। लॉन्ग जंप, जंप में सेकंड प्राइज हरवन लाल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। और एक बार फिर से फर्स्ट प्राइज प्रभात डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। लॉन्ग जंप के बाद ट्रिपल जंप के बच्चे भी रेडी रहेंगे। गुरदीप सिंह डिस्ट्रिक्ट ऊना। ट्रिपल जंप में सेकंड प्राइज कृष्ण सिंह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और ट्रिपल जंप में ही फर्स्ट प्राइज कार्तिक ठाकुर डिस्ट्रिक्ट चंबा। शॉर्ट फुट थ्रो के बच्चे आगे आ जाएं। शॉर्ट फुट थ्रो में थर्ड प्राइज अजय गुलेरिया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। बच्चे दौड़ते हुए आए, हम जल्दी जल्दी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। प्राइज पंकज डिस्ट्रिक्ट सोलन। और शॉर्ट फुट थ्रो में ही फर्स्ट प्राइज दीपक कुमार डिस्ट्रिक्ट ऊना। और उसके बाद डिस्कस थ्रो के बच्चे भी रेडी रहे। डिस्कस थ्रो के बच्चे आगे आ जाएं प्लीज। डिस्कस थ्रो के बच्चे, डिस्कस थ्रो थर्ड प्राइज प्रखर राणा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। बढ़ाते रहे, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है बच्चों ने मैदान में। डिस्ट्रिक्ट थ्रो में सेकंड प्राइज शिवा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। और डिस्ट्रिक्ट थ्रो में दीपक कुमार फर्स्ट प्राइज डिस्ट्रिक्ट ऊना। जोरदार तालियां बजाते रहे और हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे। बहुत मेहनत की है बच्चों ने ये प्राइज लेने के लिए। लास्ट इवेंट है हमारा जेवलिन थ्रो का, एथलेटिक्स का लास्ट इवेंट जेवलिन थ्रो, जिसमें थर्ड प्राइज अजय बोध लाहौल स्पीति। जेवलिन थ्रो थर्ड प्राइज अजय बोध लाहौल स्पीति। जेवलिन थ्रो में सेकंड प्राइज अंकुश राणा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। जेवलिन थ्रो में फर्स्ट प्राइज शिवा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है सभी बच्चों ने ग्राउंड में, एथलेटिक्स के इवेंट्स में अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है। लेकिन वही है कि प्राइज किसी एक दो टीम को ही मिलेंगे।
जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। और इसी के साथ जो हमारा बेस्ट एथलीट का प्राइज जाता है प्रभात जिसकी कांगड़ा, जोरदार तालियां प्रभात के लिए। इसके बाद हमारा दूसरा इवेंट था कल्चरल इवेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम था। सबसे पहले सोलो सॉन्ग में थर्ड प्राइज डिस्ट्रिक्ट मंडी, सोलो सॉन्ग के लिए डिस्ट्रिक्ट मंडी के पार्टिसिपेंट्स आ जाएं। सोलो सॉन्ग थर्ड प्राइज डिस्ट्रिक्ट मंडी। कल्चरल इवेंट में टीम मैनेजर टीम कोचेज भी साथ में आए और बच्चों का हौसला बढ़ाएं, अपने डिस्ट्रिक्ट की नेम प्लेट भी साथ में लेकर के आए। सोलो सॉन्ग में सेकंड प्राइज है डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा के पार्टिसिपेंट जल्द से जल्द मंच पे आ जाएं। सोलो सॉन्ग में फर्स्ट प्राइज है डिस्ट्रिक्ट शिमला। सोलो सॉन्ग के बाद ग्रुप सॉन्ग के बच्चे भी रेडी रहे। फिर से जाता है डिस्ट्रिक्ट मंडी को, बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे, जोरदार तालियां उनके लिए बजती रहनी चाहिए। बहुत मेहनत की है बच्चों ने ये प्राइज पाने के लिए। उसके बाद ग्रुप सॉन्ग में हमारी दो टीमें विजेता रही हैं सेकंड प्राइज के लिए, डिस्ट्रिक्ट शिमला और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ग्रुप सॉन्ग में दो टीमें सेकंड नंबर पे रही हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट शिमला के पार्टिसिपेंट मंच पे आ जाएं। और ग्रुप सॉन्ग में ही सेकंड पोजीशन पर ही रही है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की टीम। पोजीशन पर टीम रही है वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा। ग्रुप सॉन्ग फर्स्ट पोजीशन डिस्ट्रिक्ट चंबा। ग्रुप सॉन्ग फर्स्ट पोजीशन डिस्ट्रिक्ट चंबा के पार्टिसिपेंट मंच पर आ जाएं। स्किट के कंपटीशन में थर्ड प्राइज मिला है टीम मंडी को। स्किट थर्ड प्राइज टीम मंडी। कंपटीशन में सेकंड प्राइज टीम शिमला। स्किट कंपटीशन में जो फर्स्ट प्राइज लिया है वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। रेडी रहेंगे।
डांस की जो तीन टीमें हैं चंबा किन्नौर कुल्लू ये पार्टिसिपेंट्स रेडी रहेंगे। फोक डांस में थर्ड पोजीशन पर रही है टीम चंबा। टीम चंबा के फोक डांस के पार्टिसिपेंट मंच पे आ जाएं। मेहनत की है और उनके परफॉर्मेंस में उनकी मेहनत और उनकी तैयारी झलक रही थी, लेकिन वही बात है कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स की वजह से आगे पीछे रह जाते हैं। नहीं तो जितनी भी टीमें थी अपने आप में एक बेस्ट थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की है सबने। फोक डांस के सेकंड प्राइज जाता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर फोक डांस सेकंड प्राइज डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। कल्चर में ही एक ओवरऑल कल्चर की भी ट्रॉफी होती है, तो सारी मार्किंग स्कीम के बेस पे ओवरऑल कल्चर की ट्रॉफी जाती है डिस्ट्रिक्ट शिमला को। अपने बच्चों को कंट्रोल करने में और ये इवेंट्स को सक्सेसफुल बनाने में सबसे अहम भूमिका जो रहती है वो है टीम मैनेजर टीम कोच की, क्योंकि सारे जो काम है उनकी ही निगरानी में उनकी ही देखरेख में होता है। तो मैं सबसे पहले तो हम उन्हें सम्मानित करने का भी मौका नहीं छोड़ेंगे। हमीरपुर जिले से शुरुआत करते हैं। हमीरपुर जिला के टीम मैनेजर श्री ब्रिजेश सिंह जी कृपया मंच पर आएँ सर। साथ ही जिला कांगड़ा के श्री रशपाल जी श्री जगदीश जी कृपया मंच पर आए। जिला किन्नौर के श्री राम कुमार जी श्री रामचंद्र जी कृ
कृपया मंच पे आए सर, जोरदार तालियां बजाते रहें। जिला कुल्लू के श्री ईशान ठाकुर जी, श्री चांद किशोर जी, श्री सरवन कुमार जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री दीप कुमार जी और जितने भी टीम के साथ आए हैं, प्लीज़ मंच पे आ जाएं, क्योंकि हो सकता है किसी का नाम यहाँ नहीं लिखा हो। तो जिस भी टीम के साथ, जितने भी टीम मैनेजर, कोच या सर आए हैं, मंच पे आ जाएं। जिला मंडी के संजय सर, श्री रविंद्र नायक जी, श्री चुन्नी लाल जी, शिमला के श्री विवेक मोक्ता जी, श्री नीमचंद जी, श्री कैलाश जी, सोलन जिले के श्री लखविंदर सर, श्री दिनेश सर, सिरमौर जिले के श्री चमन लाल जी, श्री अमृत निर्मोही सर और श्री रामचंद्र जी, और उनके अलावा भी कोई भी टीम के साथ मेंबर आए हैं, प्लीज मंच पे आ जाएं। जिला ऊना के टीम के श्री संजय सर, श्री मनमोहन सिंह जी, श्री संजीव कुमार जी, और जिला चंबा टीम मैनेजर, टीम कोच श्री वेद प्रकाश महाजन जी, श्री राजीव जी, ये इवेंट करवाने में रही है, जो हमारे पीटीआईज हैं, डीपीज हैं, अलग अलग स्कूलों से आए और 3 दिन लगातार मैदान में डटे रहे। इस एथलेटिक्स के इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। चंबा चौगान में कड़ी धूप में वो एक सिपाही की तरह तैनात रहे और हमारे इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है। तो सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मैं चंबा टीम के पीटीआई सर, जो कि हमारी टीम के कोच भी रहे हैं। तो पहले, क्योंकि एज ए कोच, सर को बुलाना चाहूंगी। श्री उमेश चोना जी, डीपी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीम बंगलो, अगर प्लीज किसी का नाम अनाउंस नहीं हुआ है तो नाम की कोई मेरे पास जो लिस्ट थी, लेकिन कोई भी है वो मंच पे आ जाए प्लीज। श्री कमलेश ठाकुर जी, डीपी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनेट,
राजेंद्र कुमार जी, डीपी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगला। श्री कमल सिंह जी, डीपी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुलाड़ा। श्री राजेश शर्मा जी, डीपी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुटू। श्री प्रवीण कुमार जी, डीपी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गहरा। श्री महेंद्र सिंह जी, डीपी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छतराड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक अहम भूमिका रही है हमारे डीपीज की इस इवेंट को सक्सेसफुल कराने में। साथ ही हमारे बीच मीडिया बंधु भी हैं जिनका एक अहम रोल रहता है इवेंट ओवरऑल एक्टिविटीज पूरे एथलेटिक्स करवाने में। सबका एक अहम रोल है, हर एक सिपाही की तरह सुबह से शाम तक मैदान में डटे रहे, अपने खाने पीने का ध्यान छोड़कर सर पूरा इवेंट को सक्सेसफुली करवाया है सर ने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच 3 दिनों से बने रहे और अपने हमारे सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा, तो मेरा रिक्वेस्ट है मुख्य अतिथि महोदय से सर को सम्मानित करें प्लीज। मैडम चीफ गेस्ट मैडम शिवानी महला जी के साथ एसपीओ श्री मनु कुमार जी आए हैं, तो वो भी हमारे गेस्ट हैं, तो सर प्लीज मंच पे आ जाएं। श्री मनु कुमार जी एसपीओ। साथ में हमारे मुख्य अतिथि महोदय के साथ पीएसओ आए हैं, सर प्लीज मंच पे आ जाएं, आप भी हमारे मेहमान हैं तो हम सम्मानित करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का काम लगभग हमारा समाप्ति की ओर है। चंबा जिला, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है, टीम ने बहुत ही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो टीम है, अगर सामने कहीं पर भी है तो प्लीज मंच पे आ जाएं और अपना प्राइज दे लें। डिस्ट्रिक्ट चंबा की टीम, मुझे सिर्फ अभिलाष सर दिख रहे हैं, अभिलाष सर प्लीज मंच पे आए और साथ ही जितना भी स्टाफ, आईटीआई चंबा का पूरा स्टाफ, वुमेन आईटीआई चंबा और गवर्नमेंट आईटीआई चंबा का स्टाफ मंच पे आ जाए और जितने भी हमारे बच्चे वॉलंटियर रहे हैं जिन्होंने दिन रात यहाँ पर मेहनत की है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। समापन की फ्लैग जो हमने पहले दिन जो फ्लैग हमारा लगा था वो फ्लैग उतरेगा और
जी के हाथों समापन की घोषणा भी होगी। प्राइस ले क्योंकि इन लोग सबसे ज्यादा शायद डांट यही सुनते हैं, कभी साउंड ज्यादा करो कम करो, रेट बढ़ाओ, ये करो वो करो, तो बहुत अहम भूमिका रहती है साउंड सिस्टम की यहाँ पे। और कल्चर की जांच है, हम पिछले एक महीने से गर्ल की बॉय की दोनों के लिए तैयारी कर रही थी बहुत अच्छी, उनको स्मरण करेंगे मैडम। मैडम सुषमा को सम्मानित करते हुए सभी डीपी, सभी मैनेजर कोचेस और सभी मेहमान।